सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल लखनऊ द्वारा जयपुरिया एनुअल रिफ्रेशिंग प्रोग्राम 2024 का आयोजन किया गया है। 3 और 4 जून को यह आयोजन किया गया है। इसमें सभी स्कूलों के टीचर्स, प्रिंसिपल्स आदि को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी तथा उनको वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अच्छे काम करें उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए सचिव CBSE बोर्ड हिमांशु गुप्ता जी आए हुए हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। CBSE ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी लिए हैं, जैसे हम बाल वाटिका जिसके तहत 3 से 6 साल के बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़े हैं उसको मैंडेटरी कर रहे हैं। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 50 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है हर से यही बोलते हैं कि स्कूल्स को NCERT की किताबें चलानी चाहिए, और अगर NCERT के अलावा और अगर कोई किताब चलाना चाहते हैं तो हमारे नॉर्म्स ये बोलते हैं कि उनमें वो ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड के प्रति कोई भी कोई नेगेटिव एलिमेंट ना हो। जयपुरिया के एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम 2024 के विषय में क्या कहेंगे आज आप? मुझे बड़ी खुशी हुई है आज इनका जयपुरिया स्कूल का ग्रुप का जो आज प्रोग्राम हुआ है, 3rd एनुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग। 300 से ज़्यादा टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। 2 दिन का ट्रेनिंग रखा है और फोकस प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ दोनों पे रखा गया है, ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। सर, टीचर्स को इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है? टीचर्स को देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हर साल टीचर्स की ट्रेनिंग होती रहे, क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़रूरी है। NEP भी बोलता है कि 50 घंटे हर साल में टीचर्स को ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जयपुरिया ग्रुप ने, और बहुत ज़रूरी है कि हर टीचर को 50 घंटे मिनिमम ट्रेनिंग मिलती रहे। CBSE के द्वारा नए इनिशिएटिव क्या लाए जा रहे हैं? CBSE टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत काम कर रहा है, नए नए मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ, स्किल के नए सब्जेक्ट्स लाए जा रहे हैं। हर तरीके से अलग अलग डोमेन्स में CBSE जो है वो काम कर रहा है। CBSE के स्कूल्स भी नए नए जो आ रहे हैं उस पर हम काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स ऑनलाइन बना रहे हैं ताकि स्कूल्स के लिए भी आसानी रहे, टीचर्स के लिए भी आसानी रहे और पेरेंट्स के लिए भी। सर, AI पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है इस टाइम इंडिया पे, क्या CBSE भी उसकी तरफ? AI और मशीन लर्निंग के भी नए कोर्सेज CBSE ने इंट्रोड्यूस करे हैं, क्योंकि हमें देखा गया कि बच्चों का कई बहुत अच्छा रुझान आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में AI में बहुत जॉब्स समाज के अंदर आने वाली हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल से ही बच्चों को ये कोर्सेज हम अवगत कराएं। थैंक यू सो मच। जयपुरिया स्कूल द्वारा आयोजित जयपुरिया रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे शिक्षकों तथा प्रिंसिपल्स को एक नई तरह की ट्रेनिंग मिलती है कि वो अपने स्कूल्स और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अच्छे काम कर सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए CBSE बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता लखनऊ पधारे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं, क्योंकि एक नई तरह की ट्रेनिंग मिलती है जिससे शिक्षा का क्षेत्र में काफी और प्रगति होगी। कुछ और अलग चीजों पर जब हमने उनसे बात करी तो उनका कहना है कि CBSE कुछ नए कोर्सेज लेकर के आ रहा है। आजकल के जो नए चलन में कोर्सेज आ रहे हैं AI के साथ साथ योगा आदि के भी कोर्सेज अब CBSE लेकर के आएगा, और CBSE भारत में अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उसके लिए सभी प्रकार के कार्य कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV लखनऊ।